मैं हूँ आपके साथ मानसी। आज इस बुलेटिन में बात होगी संसद में भारी पड़ते विपक्षी बजट को लेकर बीजेपी नेताओं में नाराजगी की। देखेंगे महाराष्ट्र में अनिल देशमुख के बीजेपी पर बड़े आरोपों को, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी के इस्तीफे से राजस्थान के बदलते समीकरणों को, जानेंगे हरियाणा में विधानसभा चुनाव से पहले टिकट के लिए मची होड़ को, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे कर्नाटक सरकार के प्रस्तावों से मोदी सरकार की बड़ी मुश्किलों को। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल का नाम बदलने पर प्रियंका गांधी ने सरकार को घेरा, कहा दरबार की कोई अवधारणा नहीं है लेकिन शहंशाह की अवधारणा है। नीट यूजी रिवाइज रिजल्ट जारी, 67 में से 44 टॉपर्स के 5 नंबर घटे, 400,000 कैंडिडेट्स की रैंक हुई प्रभावित। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने मानी वकीलों से मीटिंग बढ़ाने की मांग। और शेयर बाजार में गिरावट, 109 अंकों की गिरावट के साथ 80,039 पर बंद हुआ सेंसेक्स, 7 अंकों की मामूली गिरावट के साथ 24,406 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां, अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। संसद का मॉनसून सत्र अपनी रफ्तार में है, जहां दोनों ही सदनों में एनडीए सरकार के बजट पर तीखी बहस देखने को मिल रही है। विपक्ष बजट को लेकर सरकार पर हमलावर है तो सत्ता पक्ष अपने बचाव में नजर आ रहा है। तो क्या कुछ हुआ आज संसद में, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। संसद का मॉनसून सत्र, जो इस बार बजट सत्र भी बन गया है, उसके चौथे दिन सदन का तापमान काफी हाई नजर आया, जहां विपक्ष ने सरकार पर आरोपों की बौछार कर दी। प्रश्नकाल के बाद सदन में बजट पर चर्चा शुरू हुई। पंजाब के पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने सबसे पहले बोलते हुए सदन में प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री की गैर मौजूदगी पर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि बजट में गरीबों के लिए कुछ नहीं है, क्या दुश्मनी है तुम्हारी किसानों के साथ। चन्नी के बयान पर सत्ता पक्ष ने आपत्ति जताई तो हंगामा मच गया। स्पीकर को सदन में शांति बनाए रखने की अपील करनी पड़ी। वहीं आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने कहा कि देश में लोग कई तरह के टैक्स देते हैं, लेकिन बदले में उन्हें उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं नहीं मिलती। उन्होंने राज्यसभा में कहा कि आज हम भारत में इंग्लैंड की तरह टैक्स देते हैं, लेकिन हमें सोमालिया जैसी सेवाएं मिलती हैं। चुनावों में बीजेपी की दुर्दशा के 3 कारण इकोनॉमी है। सुप्रीम कोर्ट के वकील और निर्दलीय सांसद कपिल सिब्बल ने कहा कि अर्थव्यवस्था संकट में है। मेरे पास ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट है, जिसके अनुसार भारत के 83% युवा बेरोजगार है। हमारे देश में बेरोजगारी की यही स्थिति है। वित्त मंत्री को इस संकट से उभरने के लिए कोई रोड मैप बताना चाहिए था। हर बजट एक राजनीतिक बयान होता है, जब तक आप अपने युवाओं को सशक्त नहीं बनाते हमारा देश कहाँ जाएगा। आप सांसद हरभजन सिंह ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि उन्होंने भी बोलने की इच्छा जताई थी, लेकिन सदन में उन्हें मौका ही नहीं मिला। झारखंड के गोड्डा से भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि संविधान खतरे में है। संसद में बजट को लेकर जहां विपक्ष का जोरदार विरोध नजर आ रहा है, तो वहीं अब बीजेपी के नेता भी इस बजट का विरोध कर रहे हैं, जिसके बाद बीजेपी टेंशन में दिखाई दे रही है। तो क्यों बीजेपी के ही नेता हुए बजट के खिलाफ, देखिए इस रिपोर्ट में। मोदी सरकार का ये बजट सवालों से घिर गया है। विपक्ष सरकार पर गैर भाजपा शासित राज्यों के साथ भेदभावपूर्ण रवैया अपनाने के आरोप लगा रहा है, और अब ये मामला बीजेपी की चिंता बढ़ाते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि अब बीजेपी के ही नेता सरकार के इस बजट पर सवाल उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि बजट में बीजेपी शासित राज्यों को भी कुछ नहीं मिला है, खासकर उन राज्यों में जहां अभी कुछ वक्त बाद ही विधानसभा चुनाव होने हैं। दरअसल बीते दिन संसद भवन में प्रधानमंत्री की पार्टी के प्रमुख नेताओं के साथ बैठक हुई। इस दौरान बीजेपी नेताओं ने ये मुद्दा उठाया, जिसमें महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड और जम्मू कश्मीर के नेता शामिल हैं। लोकसभा चुनाव में पहले ही बीजेपी बहुमत से दूर रह गई थी। हालांकि पार्टी ने सहयोगियों के सहारे केंद्र में तो सरकार बना ली है, लेकिन अब 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होने हैं, और ऐसे में गैर बीजेपी शासित राज्यों के साथ भेदभावपूर्ण रवैया अपनाने का आरोप जो विपक्ष लगा रहा है, वो बीजेपी पर भारी पड़ सकता है। बीजेपी नेताओं ने बैठक में अपनी चिंताएं जाहिर की है। बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को संसद में बजट पेश किया, लेकिन बजट पेश करने के साथ ही मोदी सरकार गंभीर आरोपों से घिर गई है। बजट में बिहार और आंध्र प्रदेश को स्पेशल पैकेज दिया गया, जबकि अन्य किसी भी राज्य के लिए ऐसी कोई घोषणा सरकार ने नहीं की, जिसके बाद विपक्ष ने मोदी सरकार के इस बजट को कुर्सी बचाओ बजट बताते हुए उन पर सहयोगियों को खुश करने का और गैर भाजपा शासित राज्यों को नकारने का आरोप लगाया है। और अब तो बीजेपी नेता भी इसकी आलोचना कर रहे हैं।
ऐसे में बीजेपी की मुश्किलें बढ़ते हुए नजर आ रही है। एनडीए सरकार का ये पहला बजट था और बजट पेश होते ही विपक्ष के बाद अब बीजेपी नेताओं ने भी नाराजगी जाहिर कर बीजेपी की टेंशन को बढ़ा दिया है। तो महाराष्ट्र ने भी बीजेपी की टेंशन को बढ़ा दिया है। पूर्व कैबिनेट मंत्री अनिल देशमुख ने बीजेपी को लेकर बड़ा खुलासा किया है, जिसके बाद से सियासत गरमाई हुई है। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र में पूर्व कैबिनेट मंत्री अनिल देशमुख के बयान ने सियासी गलियारों में हड़कंप मचा दिया है। अनिल देशमुख ने बीजेपी नेता पर एमवीए नेताओं को जबरन फंसाने के आरोप लगाए हैं। देशमुख ने कहा कि महाराष्ट्र के वर्तमान डिप्टी सीएम और पूर्व गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ उनके पास पेन ड्राइव में ठोस सबूत है। देशमुख ने कहा कि 3 साल पहले देवेंद्र फडणवीस ने उन्हें उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, अनिल परब और अजित पवार के खिलाफ झूठे आरोप लगाकर एफिडेविट दाखिल करने के लिए कहा था, मैंने करने से इनकार कर दिया था। देशमुख ने आरोप लगाया कि मेरे इनकार करने के चलते ही मेरे पीछे ईडी सीबीआई लगाकर मुझे 13 महीने जेल में रखा गया। अनिल देशमुख ने फडणवीस को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर वो मुझे चैलेंज करेंगे तो वो सबूतों का खुलासा कर देंगे। उनके समर्थन में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने भी बयान दिया है। पटोले ने कहा कि जो अनिल देशमुख कह रहे हैं वो सच ही होगा। मोदी सरकार आने के बाद एजेंसियों का गलत उपयोग किया गया है। जो इनके साथ होते हैं वहाँ एजेंसी कुछ नहीं करती है। वहीं शिवसेना यूपीटी से सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने मामले में जांच की मांग करते हुए कहा कि देवेंद्र फडणवीस का मुखौटा उतर गया है। सत्ता में आने के लिए आप किसी भी स्तर तक गिर सकते हैं, जिसमें चरित्र हनन भी शामिल है। देशमुख के आरोपों ने फडणवीस समेत पूरी बीजेपी को सवालों के घेरे में ला दिया है। अनिल देशमुख ने बीजेपी नेता पर एमवीए नेताओं को जबरन फंसाने के आरोप लगाए हैं। तो वहीं इस बीच राजस्थान बीजेपी से टकराव की खबर सामने आने लगी है। राजस्थान के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने इस्तीफे की पेशकश की है। जोशी की इस पेशकश के बाद राजस्थान की सियासत में भूचाल आ गया है। तो आखिर क्यों दिया जोशी ने इस्तीफा, देखिए इस रिपोर्ट में। राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनने के 6 महीने के अंदर ही हालात बदल गए हैं। राज्य में पिछले साल के आखिर में विधानसभा चुनाव हुए तो बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला और उसने सरकार बनाई, लेकिन 6 महीने के अंदर जब लोकसभा चुनाव हुए तो बीजेपी के हाथ से लोकसभा की 11 सीटें फिसल गई। उसके बाद से ही सवाल उठ रहे थे कि इस हार का जिम्मेदार कौन है, क्योंकि राजस्थान में पूरा चुनाव नरेंद्र मोदी के नाम पर लड़ा गया था। ऐसे में हार के लिए पीएम मोदी और बीजेपी हाईकमान पर सवाल उठ रहे थे, लेकिन अचानक चुनाव परिणाम के बाद प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सीपी जोशी के इस्तीफे की पेशकश ने पीएम मोदी और बीजेपी हाईकमान को मुश्किल में फंसा दिया था। क्योंकि अगर जोशी का इस्तीफा स्वीकार किया जाता तो जेपी नड्डा और पीएम मोदी पर भी हार की जिम्मेदारी लेने का दबाव बढ़ जाता, इसलिए जोशी का इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया। अब एक बार फिर सीपी जोशी ने राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने की पेशकश कर दी है। इस बार उनके इस्तीफे का कारण केंद्र में मंत्री नहीं बनाए जाने को बताया जा रहा है। वैसे जोशी ने मंत्री पद को लेकर कुछ नहीं कहा है, लेकिन जोशी के समर्थक उन्हें मंत्री नहीं बनाए जाने से नाराज चल रहे हैं और इसी के चलते अब जोशी भी अपने इस्तीफे को लेकर इस बार अड़ गए हैं। राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनने के 6 महीने के अंदर ही हालात बदल गए हैं और जोशी के इस्तीफे ने इस बदलाव को हवा देने का काम किया है। तो वहीं इस साल के अंत में हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में हरियाणा कांग्रेस में विधानसभा चुनाव के टिकट के लिए नेताओं में होड़ मची हुई है। अब तक कुल 90 विधानसभा सीटों के लिए 900 आवेदन आ चुके हैं, जिसने बीजेपी की धड़कने बढ़ा दी है। तो क्यों चुनाव से पहले ही घबराई बीजेपी, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। हरियाणा में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं, जहां सभी पार्टियों ने अपने स्तर पर चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। वहीं कांग्रेस में भी टिकट के लिए आवेदन आने शुरू हो गए हैं। इन आवेदनों ने बीजेपी की चिंता बढ़ा दी है। दरअसल हरियाणा में कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ने के लिए लोगों की लाइन लग गई है। एक एक सीट पर 10-10 दावेदार हैं। हरियाणा में कुल 90 विधानसभा सीटें हैं, जिन पर अब तक 900 से भी ज्यादा आवेदन आ चुके हैं। आवेदन जमा करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई तक की है। ऐसे में ये आंकड़ा 1500 पार करने की उम्मीदें लगाई जा रही हैं। इन बढ़ते आंकड़ों ने चुनाव के पहले ही बीजेपी को असमंजस में डाल दिया है। पहले से ही हरियाणा के किसानों की नाराजगी से बीजेपी पूरी तरह से हिल गई है। राज्य में सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी भी भरपूर दिखाई दे रही है। हालांकि बीजेपी ने राज्य सरकार में बड़ा फेरबदल किया, लेकिन जनता का मन नहीं बदल पाई। जनता की नाराजगी का असर लोकसभा चुनाव में साफ नजर आया, जब बीजेपी हाफ हो गई, महज 5 सीटें ही जीत पाई। अब उम्मीदवारों को भी पता है कि बीजेपी के टिकट से चुनाव जीतना उनके लिए मुश्किल है, इसलिए कांग्रेस में टिकट की होड़ मची हुई है।
अभी चुनाव की घोषणा तो नहीं हुई, लेकिन कांग्रेस में आने वाले उम्मीदवारों की बढ़ती संख्या ने बीजेपी की चिंता को जरूर बढ़ा दिया है। तो दूसरी तरफ नीट घोटाले में लगातार हो रहे खुलासे ने बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर दिया है। नीट मामले में सीबीआई जांच कर रही है, जिसमें चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है। तो अब क्या खुलासे हुए हैं नीट मामले में, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। नीट घोटाले में आए दिन नए खुलासे हो रहे हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए इसकी जांच सीबीआई को सौंपी गई थी। अभी हाल ही में सीबीआई की सुप्रीम कोर्ट में सबमिट जांच रिपोर्ट में एक अहम खुलासा सामने आया है। बता दें कि सीबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक बिहार के छात्रों के करीब 35 से 45 लाख में नीट के क्वेश्चन पेपर बेचे गए थे। वही बिहार से बाहर के छात्रों को यही पेपर लगभग 55 से 60 लाख रुपए में बेचे गए थे। जांच में पाया गया कि बिहार और बाहर के राज्यों में कुल मिलाकर 150 छात्रों के पेपर बेचे गए थे। वही पेपर लीक के बावजूद इन 150 छात्रों में 80 से 90 छात्रों को अच्छे नंबर नहीं मिले। बता दें कि अभी तक इसका मास्टरमाइंड संजीव मुखिया फरार चल रहा है। हालांकि उसके गुर्गे और सहयोगी सीबीआई की गिरफ्त में है। सीबीआई के मुताबिक नीट यूजी पेपर लीक के आरोपियों ने बहुत सावधानी बरती थी। आरोपी इस बात से वाकिफ थे कि अगर पेपर सोशल मीडिया पर लीक हुआ तो वायरल हो जाएगा और उनके मंसूबे विफल हो जाएंगे। वही आपको बताते चले कि सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि री एग्जाम ना करवाते हुए हमें सीबीआई की जांच पर भरोसा रखना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने ये माना है कि पेपर लीक बड़े पैमाने पर नहीं हुआ था और इसे सोशल साइट्स पर भी लीक नहीं किया गया था। अब सच्चाई जो भी निकल कर सामने आए, लेकिन इस घोटाले से सबसे ज्यादा नीट अभ्यर्थियों और उनके पेरेंट्स को परेशानियों का सामना करना पड़ा है। और बुलेटिन के आखिर में बात मोदी सरकार की बढ़ती मुसीबत की, कर्नाटक सरकार के केंद्र के खिलाफ पास हुए 3 प्रस्तावों की। इस समय देश में नीट के मामले में सियासत गरमाई हुई है। जहां सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि नीट के पेपर लीक हुए हैं, तो वहीं अब नीट और एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर कर्नाटक सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए केंद्र सरकार को चुनौती दी है। तो क्या है वो फैसला, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। कर्नाटक सरकार ने केंद्र सरकार के खिलाफ गुरुवार को उन प्रस्तावों को मंजूरी दी है जो सीधे सीधे केंद्र सरकार को चुनौती दे रहे हैं। बता दें कि गुरुवार को कर्नाटक विधानसभा ने आगामी जनगणना के आधार पर लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों के परिसीमन एक देश एक चुनाव और राष्ट्रीय प्रवेश सह पात्रता परीक्षा यानी नीट के खिलाफ प्रस्तावों को मंजूरी दी। बता दें कि कर्नाटक विधानसभा में कांग्रेस की सिद्धरमैया सरकार ने प्रस्ताव में कहा कि नीट परीक्षा प्रणाली ग्रामीण क्षेत्रों के आने वाले गरीब बच्चों के लिए मेडिकल शिक्षा के अवसरों को बुरी तरह से प्रभावित कर रही है। ये न केवल स्कूली शिक्षा प्रणाली को अप्रभावित बनाता है, बल्कि राज्य सरकार द्वारा प्रबंधित मेडिकल कॉलेजों में छात्रों के प्रवेश देने के राज्य के अधिकार को भी छीन लेता है। इसीलिए यह अनुरोध किया जाता है कि इस प्रणाली को खत्म किया जाए। इसके साथ ही प्रस्ताव में कहा गया कि कर्नाटक विधान परिषद सर्वसम्मति से आग्रह करती है कि केंद्र सरकार को तुरंत राज्य को इस परीक्षा से छूट देनी चाहिए और राज्य सरकार द्वारा आयोजित कॉमन एंट्रेंस स्टेट के नंबरों के आधार पर छात्रों को मेडिकल एडमिशन देना चाहिए। इसी के साथ विधानसभा ने केंद्र से मांग की है कि आगामी जनगणना के आधार पर परिसमन नहीं होना चाहिए। जनसंख्या के आधार पर सीटों की संख्या में इजाफे की स्थिति में उसे किसी राज्य में लोकसभा सीटों और वहां के विधानसभा क्षेत्रों की संख्या तय करने के लिए 1971 की जनगणना को ध्यान में रखना चाहिए। तो वहीं तीसरे प्रस्ताव में कहा गया कि एक देश एक चुनाव का प्रस्ताव भारत की लोकतांत्रिक और संघीय व्यवस्था के लिए खतरा है, क्योंकि विभिन्न राज्य विधानसभाओं की अपनी शर्तें होती हैं और एक समान चुनाव कार्यक्रम राष्ट्रीय मुद्दों पर बहुत अधिक फोकस करके और स्थानीय चिंताओं की उपेक्षा करके राज्यों के स्वतः को कमजोर कर सकता है और आर्थिक व सामाजिक बाधाएं एक साथ चुनाव कराने से जुड़ी गंभीर चिंताएं हैं। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।